हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए मैं खेत में आई हूँ। ये हमारे घर के पास में एक खेत है, ये देखिए, मतलब वो घर है और ये घर के जस्ट पास में ही खेत है। तो मैं सोची खेत में आके थोड़ा एक वीडियो शूट कर लेते हैं, और वीडियो में आप लोगों से मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि अब मेरा जो है कि मन मेरा वाइटी से एकदम ऊब गया है। मेरा मन नहीं कर रहा वाइटी पे, मन तो यही कर रहा है कि वाइटी छोड़ दे, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत की है, 4 महीने में काफ़ी मेहनत कर चुके हैं। तो इससे मेरा आप लोगों से सोच रही थी कुछ राय ले लूं, आप लोग का क्या राय है, मैं वाइटी पे क्या करूं, छोड़ूं या फिर रहने दूं ऐसे ही। क्योंकि हमारे वीडियो जो है कोई फुल वॉच करता ही नहीं है, मेरे ही नहीं सबके वीडियो को कोई फुल वॉच नहीं करता है, और चैनल का ग्रो हो नहीं रहा। तो आप लोग ही इसमें बताइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और सब लोग वीडियो बना रहे हैं, सबको यही चाहत है कि सब लोग जो है सबका चैनल ग्रो हो, सबके वीडियो फुल वॉच सब लोग करें, लेकिन कोई नहीं है ऐसा कि कोई किसी का वीडियो फुल वॉच करता है, कोई नहीं करता, किसी का वीडियो फुल वॉच नहीं करता है कोई। हाँ, तब तक चलते हैं, कमेंट करते रहते हैं बाकी लोग, तब तक तो सब लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद जैसे ही कमेंट ख़त्म हुआ उसके बाद वीडियो देखना बंद कर दिए। तो भाई ये सब गलत है। जिसका भी वीडियो आप लोग देखिए, फुल वॉच करिए, एक बार नहीं मैंने दो बार ये वीडियो में मैं बोल चुकी हूँ, भैया जिसका भी वीडियो आप लोग देखिए तो फुल वॉच करिए उसे। सब लोग YT पे आए हैं इसी वजह से आए हैं कि भैया हमारा वीडियो सब लोग फुल वॉच करें, फुल कमेंट करते, सब लोग कमेंट करते रहते हैं, तब तक वीडियो चलता रहता। जैसे ही कमेंट बंद हुआ ऐसे ही वीडियो बंद करके सब लोग चले गए, अटेंडेंस लगा देते हैं कि हाँ मेरा वीडियो तो किसी ने देखा है, ताकि सबको पता चल जाए वीडियो तो वो देख लिए हैं। लेकिन सबको पता चल जाता भैया कितना कोई वीडियो वॉच करता है, आजकल YT पे तो सब पता चल जाता है ना कितना किसने वॉच किया है। ये गलत बात है, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सब लोग इसी वास्ते आए हैं भाई, सबका चैनल ग्रो हो जाए। तो आप लोग से निवेदन है भाई, आप लोग जिसका भी वीडियो देखिए तो फुल वॉच करिए, हम लोग फुल वॉच करेंगे तो सबका फुल वॉच होगा, सभी का चैनल ग्रो होगा, सबके साथ मिल के हमको रहना है, अकेले हम कोई चैनल ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से मेरा तो बिल्कुल मन है कि YT छोड़ दें, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं YT मत छोड़ो, इतना काफ़ी मेहनत कर चुकी हो तो YT किस लिए छोड़ोगी। तो मैं यही सोच रही थी, बताइए, सब्सक्राइबर भी मेरे 1K से ज़्यादा ही हो गए हैं और वॉच टाइम भी मेरा आधा होने वाला है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं आप लोगों से कुछ राय लूं। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब बातें ख़त्म हुई, ये देखिए खेत के बगल में हरे भरे खेत हैं, देखिए कितने अच्छे लगते हैं, देखिए सब तरफ खेत हैं, खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। वो गन्ना है खेत के बगल में, ये देखिए वो गन्ना है, और ये देखिए यहाँ पापा जो है लहसुन लगाए हुए, देखिए खाती हूँ अभी आप लोग को, देखिए ये है लहसुन, सब वहाँ से वहाँ तक लगाए हुए हैं, पूरा वो सब लहसुन ही लहसुन लगा हुआ है। और ये आम के पेड़ हैं इधर, देखिए केला है, आम का पेड़ है। तो देखिए मैं वीडियो अपना एडिट नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो भाई फिर से मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, प्लीज़ आप लोग सभी का वीडियो फुल वॉच करें, और ताकि सभी का चैनल ग्रो हो, सभी लोग आगे बढ़ें।
बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, बाय बाय, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही ख़ास बातें लेकर आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही।